ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। आज हम सुनेंगे बीकानेर राजस्थान में रहने वाले शंकर सिंह की आप बीती। ये एक ऐसा सच है जिसके साथ मैं आज भी जी रहा हूं। बात तब की है जब मैं 14 साल का था। हम बीकानेर के पास के एक गांव में रहते थे। मेरे 4 भाई थे और मैं तीसरा भाई था। तब राजस्थान के उन इलाकों में चाइल्ड मैरिज आम बात थी। मेरे सारे भाइयों की 13 साल में शादी हो गई थी। जब मैं 14 का हुआ तो मेरे पिताजी ने पड़ोस गांव के अपने दोस्त की बेटी बिंती से मेरी शादी करवा दी। बिंती और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। वो मुझे काफी पसंद करती थी। हमारे घर वालों को भी ये बात पता थी और ये तय हुआ कि 4 साल बाद जब बिंती 17 की हो जाएगी तब वो मेरे साथ आकर रहेगी। पर शादी के 1 साल बाद ही एक एक्सीडेंट में बिंती की मौत हो गई। उस समय इस बात से मैं काफी टूट गया था, पर वक्त के साथ वो घाव भी भर गया और बिंती सिर्फ मेरी यादों में रह गई। फिर जब मैं 24 का हुआ तो मैंने अपनी कॉलेज की दोस्त नेहा से शादी कर ली और हम बीकानेर रहने आ गए। पर मुझे नहीं पता था कि मैं जिन चीजों को भूल चुका था वो मुझे नहीं भूल पाई थी। तुमने इतनी दूर शहर से घर क्यों लिया? तुम तो चले जाओगे काम पर और मैं अकेले पता नहीं क्या करूंगी। बस आधे घंटे और, तुम एक बार घर तो देखो, बहुत अच्छा है, शहर से दूर और शांत। वो देखो बस पहुंच ही गए। नेहा पता नहीं क्यों पर इस नए घर को लेकर थोड़ा परेशान थी। शायद सुनसान था इसलिए, या फिर वो अकेले रहने से डर रही थी, क्योंकि जैसे ही हम घर पहुंचे उसका मुंह उतर गया। हाँ शंकर, ये तो, अरे देख के नया, ये घर काफी टाइम से बंद था। पर अंदर से तो साफ है। फिर कोई खिड़की शायद खुली रह गई होगी, तुम परेशान क्यों हो रही हो? पर घर अच्छा है ना? नेहा को किसी तरह मैंने घर पे रहने के लिए मना लिया। हम घर में आए ही थे कि 1 घंटे बाद एक 13-14 साल की लड़की घर पे आई। मैं उस वक्त ऊपर के कमरे में था, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। 1 मिनट, आती हूँ। कौन हो तुम? वो दीदी, मैं इधर ही रहती हूँ। वो आप लोगों को आते देखा तो पूछने आ गई। आपको घर में साफ सफाई करने के लिए कोई चाहिए? हाँ हाँ ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? जी सुनीता। तुम यही पास में रहती हो? जी। कौन है नेहा? कोई नहीं, एक लड़की है, बाई का काम पूछने आई है। मैं बात कर रही हूँ, रुको। देख, महीने के 1000 रुपए दूंगी, चलेगा? ठीक है। ठीक है तो चलो फिर अभी से आ जाओ। उस लड़की में कुछ तो अजीब सी बात थी। वो जब देखती थी तो लगता था जैसे वो आपके भीतर झांक रही हो। मैं घर को ठीक करने में लगा हुआ था, नेहा भी अपने काम में लगी थी। हम आसपास किसी को नहीं जानते थे। नेहा सुनो, मैं जरा बाहर से कुछ सामान लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी ये तो है घर में मेरे साथ, तुम हो आओ। मैं बस थोड़ी देर के लिए ही बाहर गया, पर जैसे ही मैं थोड़ा दूर गया था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और मैं वहीं अटक गया। पर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा, नेहा ये क्या कर रही हो? मैंने देखा कि नेहा घर के बीच में पंखे से एक दुपट्टा बांध के सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। वो देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। मैं सब कुछ फेंक के उसकी तरफ भागा। मैं चिल्ला रहा था पर जैसे उसे मेरी आवाज सुना ही नहीं दे रही हो। मैं नेहा तक पहुंचा ही था कि उसने पैरों से चेयर गिरा दी। मैंने तुरंत उसे पैर से पकड़ लिया। अगर मुझे 1 मिनट भी और देर हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने उसे नीचे उतारा। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो ये? वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। उसका पूरा शरीर जल रहा था। नेहा बोलो। वो बुला रही है, उसने बोला है कि वो। कौन बुला रही है? किसने क्या बोला? और वो नौकरानी कहाँ गई? उसने बोला, उसने तुम
बोला झूठ। नेहा उसके बाद बेहोश हो गई। मैंने तुरंत उसके मुंह पे पानी डाला तो वो ऐसे उठी जैसे न जाने कब से सो रही हो। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसे कुछ याद भी नहीं था। वो बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। मैंने उसे बताना जरूरी नहीं समझा कि अभी क्या हुआ था। मुझे लगा वो डर जाएगी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। उसी रात की बात है, नेहा ऊपर आराम कर रही थी, अचानक से लाइट चली गई और तेज बारिश हो रही थी। मैं नीचे कैंडल लेने गया। शंकर, हाँ रुको, कैंडल ही खोज रहा हूँ। ये पता नहीं लाइट कैसे चली गई। शंकर रुको, मैं भी नीचे आ रही हूँ। नहीं तुम वहीं रुको, मिल गई, एक सेकंड बस। मैं कैंडल खोज रहा था पर मिल नहीं रही थी और आसपास से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे दूर कोई रो रहा हो, पर फिर भी उसके रोने की आवाज साफ आ रही थी। मुझे किसी के चलने की हाट लगी। मैंने कैंडल जलाई और मुझे लगा कि शायद नेहा नीचे आ गई है। रोने की आवाजें तेज हो रही थी। अब थोड़ा थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था कि अचानक मुझे दूर किसी के खड़े होने की परछाई दिखी। मुझे लगा शायद नेहा है। कैंडल की रोशनी में इतनी दूर से पहचाना मुश्किल था तो मैं उसके पास गया, पर पास जाके देखता हूं कि नेहा। उस समय जो देखा वो देख के आज भी दहल जाता हूं। मुझे लगा कि वो नेहा होगी पर वहां कोई और था। कैंडल की रोशनी में मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उसकी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो शायद सुनीता जैसी लग रही थी। कौन हो तुम? तू चलेगा मेरे साथ, तुझे चलना पड़ेगा। नेहा? तभी अचानक से लाइट आ गई और मेरे सामने कोई नहीं था, बस दूर से किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे पसीने आ रहे थे। मुझे तभी खयाल आया कि नेहा कहाँ है। नेहा? हाँ। कहाँ थी तुम? वो मैं जैसे ही नीचे जाने के लिए आई, कमरे का दरवाजा लॉक हो गया और अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मेरे हाथ को क्या हुआ? मैंने देखा मेरे हाथ से खून बह रहा था। मुझे पता भी नहीं चला, दर्द भी नहीं हो रहा था। नेहा देख के डर गई। वो तुरंत फर्स्ट एड लेके आई। मुझे कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। ये कैसे हुआ? लाओ हाथ दो जल्दी। मुझे नहीं पता, मैं वो क्या शंकर, क्या हुआ है बताओ ना। कुछ नहीं, वो गलती से हाथ किसी नुकीली चीज पे लग गया था। दिन के वाक्य के बाद मुझे लगा कि नेहा को ये सब बताना ठीक नहीं है। यहाँ कुछ तो है पर अभी बताया तो वो बहुत डर जाएगी। मैंने सोचा आज रात किसी तरह काटते हैं, कल शायद यहाँ से निकल जाएंगे। उस रात मैं सोया नहीं, बस नेहा के बगल में बैठा रहा। अगले दिन नेहा की तबीयत और खराब होने लगी। उसके उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उसे बोला, सुनो मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ, तुम कमरा बंद करके अंदर ही रहना। नहीं शंकर, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम प्लीज मत जाओ। नेहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुलाना जरूरी है, यहाँ पास ही हॉस्पिटल है, मैं बस गया और आया। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी आना, और शायद वैसे भी सुनीता आ जाए, आज दिन भर से नहीं आई है ना। नहीं, कोई भी आए तुम दरवाजा मत खोलना। हाँ ठीक है। डॉक्टर तो समय नहीं मिला पर कुछ दवाइयां लेकर मैं घर आया, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो जो मैंने देखा शायद वो कभी नहीं भूल पाऊंगा। घर का दरवाजा खुला हुआ था जो कि मैं बाहर लॉक करके गया था। मैं तुरंत घर के अंदर भागा। मुझे एक 12-13 साल की लड़की दिखी जिसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, और उसने नेहा को गले से पकड़ रखा था। मैं घर की तरफ भागा। नेहा कौन हो तुम? भूल गया मुझे? बिंती? हाँ मैं, बिंती भी और सुनीता भी, तूने मुझे धोखा दिया। पर शंकर ये तो मर गई थी। मर गई थी, भूली नहीं थी, शंकर से मेरा ब्याह हुआ है, ब्याह। शंकर बचाओ मुझे।
छोड़ो उसे बिनती है। तू अब मरेगी, मरेगी तू। बिनती ऐसे वापस आएगी ये सोचना भी अजीब था। नेहा को उसने ऊपर हवा में लटका रखा था, वो कमजोर और डरी हुई थी। मैं बिनती के पैरों में था, उसे गिड़गिड़ा रहा था कि वो नेहा को छोड़ दे। छोड़ दूंगी, पर तूने मुझसे ब्याह किया था, ब्याह तो तुझे निभाना ही पड़ेगा। हाँ मैं सब कुछ करूंगा, तुम बस उसे छोड़ दो। उसके बाद बिनती जैसे नेहा के अंदर चली गई हो और नेहा जमीन पर नीचे गिर गई। वो बेहोश थी, पानी डाला पर फिर भी उसे होश नहीं आया। मैं उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। 3 दिन बाद उसे होश आया और वो काफी कमजोर थी। मैं उसे घर लेके गया और वो बार बार एक ही बात बोलती है, शंकर तुझे ये ब्याह निभाना पड़ेगा। इस बात को 10 साल हो गए और मैं भले ही गैर कानूनी हूं पर 2 बीवियों के साथ रह रहा हूं, नेहा का शरीर और शंकर आज भी अपनी 2 बीवियों के साथ रह रहा है और ये बात वो भी मानना नहीं चाहता। उन कुछ दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, आज जब भी वो उसके बारे में सोचता है खुद से बस एक ही सवाल बार बार करता है।